अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन की मोटरसाइकिल पार्किंग में। मैंने सोचा एक अपना ट्रेन वीलॉग्स का एक चैनल बनाऊं, तो आज मेरी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग है लाहौर से रायवेंड की। ये दोनों मेरे भांजे मेरे साथ हैं, मेरा नाम है अदील, ये समर है, और ये जो पीछे छोटा सा बच्चा है इसका नाम है नादे अली। तो उम्मीद है कि मेरी आज की जो ट्रैवलिंग है वो लाहौर से रायवेंड का छोटा सा सफ़र है 40 मिनट का, और जिस ट्रेन को मैंने मुंतखब किया है उसका नाम है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। तो अभी मैंने उसकी टिकट लेनी है क्योंकि इसकी ओपन टिकट मिलती है और दूसरी टिकट नहीं मिलती, बुकिंग नहीं होती इसकी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो ये देखेंगे और पसंद करेंगे। टिकट काउंटर पर मैं पहुँच चुका हूँ और इधर से टिकट 3 टिकटें लूँगा मैं। ये जी, ये ड्राइविंग की 3 टिकट्स हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, 550 रुपये के करीब टिकट पड़ी है हमें। ये 550 की एक टिकट है और ये फेयर बहुत ज़्यादा है। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, 1:35 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। देखें जी लाहौर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत जिसमें हम एंटर होने लगे हैं, और अभी पूछते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन खड़ी है। 550 रुपये की टिकट मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ से हम एंटर होंगे, जगह आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है। पहले तो नहीं मना करते थे लेकिन अब हमें सिक्योरिटी ने मना किया जी वीडियो ना बनाएं। ये हमारे सामने जो ट्रेन खड़ी है ये तेज़गाम है, अभी इसके पीछे रेक अटैच होना है, वो देखें कितनी लंबी ट्रेन है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अब हम पैदल ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाएंगे। ये हमारी ट्रेन खड़ी है जी 8 डाउन तेज़गाम। मैं कोशिश करता हूँ, इसको चलने में अभी हैं कोई 7-8 मिनट के करीब, मैं कोशिश करूँगा कि पहले डब्बे में बैठूँ जाके। एक तो उसमें रश कम होता है और दूसरा ये इंजन के साथ कोई बोगी होगी तो इंजन की भी हम खूबसूरत सी साउंड से सुनेंगे। मेरे ख्याल में इसे ZCU-30 लगा होगा। डब्बे भी काउंट करते हैं इसके। ये इसका 70वां डब्बा है। उन्नीस कोचिज अटैच हैं इसके साथ, और ट्रेन रिवर्स मोड में जा रही है। वो हमें इल्म नहीं है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं ये। ये Extension 2 और ये Extension 1, और सामने इसके लगी हुई है वो, अच्छा वो ये लगेज वैन लगी है और GEU-40 लगा हुआ है इसके साथ। चल जाएगा GEU-40 इंजन की तरफ मैं जा रहा हूँ। 9010 GEU-40 9010। इसके सामने से एक लुक लेते हैं और फिर डब्बे में बैठते हैं जा। ये पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंजन है, 4500 हॉर्स पावर का इंजन है ये। तेज़गाम के साथ 9010 GEU-40 अटैच है। अब हम जाके बैठते हैं अपने डब्बे में। ट्रेन का डिपार्चर टाइम हो चुका है और देखते हैं किसी वक्त भी ये विसल बजा देगी अपनी डिपार्टिंग विसल। मेरी ओपन टिकट है तो पता नहीं मुझे सीट मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन चलें सीट का ना मिलना भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैं गेट पर खड़े होकर वीडियो बना लूँगा। सारी मौसम बहुत अच्छा है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मज़ा आएगा सफ़र का। ये सारे वो लोग हैं जो अपने अपने सवारियों को छोड़ने आए हैं, और ट्रेन का टाइम पूरा हो चुका है, 1:35 डिपार्चर टाइम है, अब 1:40 हो चुके हैं। तो देखते हैं कब ये विसल देती है अपनी डिपार्टिंग विसल। डिपार्टिंग विसल हो चुका है इसका और इट इज़ अबाउट टू डिपार्ट। हो चुका है और ये ट्रेन चल पड़ेगी।
ट्रेन का डिपार्चर शुरू हो चुका है और ये टिकट चेकर साहब ये लाहौर से डिपार्ट होती हुई हमारी ट्रेन स्लो स्लो डिपार्चर इसका जारी है। ये पुलिस वाले ने भी चढ़ना है यहाँ से बस वेटिंग। आ जाओ पंजाब पुलिस में ही रेलवे में यार्ड से गुजरती हुई ट्रेन चढ़ गया है। समर तुमने ज्यादा आगे नहीं खड़े होना। इसने चलाने लगाने ना पता चल रहा इंजन इंजन अपनी पावर पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा लोग जो है बगैर टिकट के हैं तो टिकट चेकर साहब उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ये गड़ी चौका ब्रिज इंजन पार्क है ZCU-20 भी ZCU-30 भी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम कैप्चर करते हुए फिलहाल लाहौर के यार्ड से निकल रही है। ये गड़ी शाह ब्रिज ये
जी साथ किसी ट्रेन का रेक खड़ा है, इंजन अपनी पावर हासिल करते हुए ये सुन रहे हैं आपकी आवाज़। अभी ये कराची फाटक गड़ी शव से गुजरेगी, चालीस सौ हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है इसके साथ। इसकी आवाज़ सुनकर मज़ा आ रहा है। हरिंड के पौधे लगे हुए हैं, हरिंड के गड़ी शव की आबादी में दाखिल हो गए हम। हम कराची फाटक को क्रॉस करेंगे, जो मजा इधर खड़े हैं सफर करने का। कराची फाटक तैयार करती है, अब ये धर्मपुरा से गुजरेगी, धर्मपुरा अंडरपास के ऊपर से। गोल्फ क्लब, रॉयल फार्म गोल्फ क्लब, धर्मपुरा अंडरपास नहर, ब्रेकें अप्लाई हो चुकी हैं, डर लगता मैं लाहौर शहर के अंदर से गुजरते हो।
बॉर्डर स्टेडियम। नेक्स्ट स्टेशन बोर्ड लगभग का अप्रोचिंग, मेरे ख्याल में ये कोटलाकपत स्टेशन है जहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं। इधर भी ये सॉरी ये वॉल्टन का स्टेशन है। मैंने बहुत ही अच्छी स्पीड तैयार की थी ये स्टेशन मास्टर साहब मौजूद। बोल्टन गुजरा कोटक पर आए बच्चा जेल रोड से गुजरेंगे मैं हम कोटक पर जेल के सामने से भी गुजरेंगे। APS बॉयज और स्कूल एंड गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स बोल्टन कैंट।
फोर्ट लखपत स्टेशन अप्रोचिंग। ये अब हम कच्चा जेल रोड पर पहुंच चुके हैं। इंजन अपनी फुल पावर लगाते हुए साथ विसल करते हुए अपनी जबरदस्त किस्म की और इसकी आप खूबसूरत ही चेकिंग साउंड सुन सकते हैं। ग्रीन सिग्नल और लखपत स्टेशन से मिला हुआ है इसको। यार ना कर, मैं नहीं डरता कि मारे बिन अप्लाइड। और ये लेवल क्रॉसिंग एक और, क्योंकि अभी तक हम प्रॉपरली ये लाहौर के सबर्ब्स हैं सारे, अभी तक हम इससे निकले नहीं हैं। लाहौर बहुत फैला हुआ है, इवन के रायवंड तक लाहौर पहुंच चुका है। ये कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया है। रेड सिग्नल आप देख सकते हैं, ट्रेन को रेड सिग्नल दिया गया है। इंजन की चेकिंग साउंड सुन रहे हैं आप, और ट्रेन अपने दोबारा स्पीड मेंटेन करते हुए, कोई क्वेश्चन होगा इसलिए स्लो किया इसे। ये साथ बहुत ही खूबसूरत रोड, ये भी रेविन तक पहुंच जाती है।
हाउसिंग सोसाइटीज हैं सारी जी। आप अग्गा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करने लगे हैं। वेलकम टू रायवेंट का बोर्ड लगा हुआ। और
राइवेंट के यार्ड में एंटर होते हुए हम तो ये गेटमैन ग्रीन सिग्नल लेके खड़ा है। सामने राइवेंट का रेलवे स्टेशन नजर आ गया मुझे और ये आधे घंटे में ही रेलवे पहुंच गई। उसके ऊपर लिखा हुआ राइवेंट रायवेंट स्टेशन। मेरा एक ड्रीम था कि मैं रायवेंट स्टेशन के अंदर हूँ। मैं इसके सामने से बहुत दफ़ा गुजरा हूँ लेकिन अंदर कभी भी नहीं उतरा इसके। आज मैंने ये अपना ख्वाब पूरा कर लिया। किसी दिन मैं इंशाल्लाह इस पर रेल फैनिंग भी करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेन गुजरती हैं इसके से। इस पर सवार होने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। रेलवे स्टेशन की अबैंडन्ड बिल्डिंग काफी रश है यहाँ पे। उतरना तो छलांग लानी है रुकेगी तो उतर छलांग लानी है रुकेगी तो उतर नहीं मैं पता रुके जी मैं बाल और चलती नहीं तो लगता है आपने रहो ना तो हाँ हाँ ये जी ट्रेन रुक गई। मैं उतरने लगा हूँ इसका जी। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। ग्रीन लाइन की लगेज वैन इसके साथ लगी हुई है। एक दफा फिर आपको ये पावरफुल इंजन दिखा दूँ मैं इसका। ड्राइव इन जंक्शन 5 मिनट का स्टे है इसका इधर। ट्रेन का डिपार्टिंग हरानीदल से भी हो चुका है और ये अभी डिपार्ट करने वाली है। ट्रेन डिपार्ट करते हुए बाबा ये भी नहीं आया उधर। ये रायवन स्टेशन से 8 डाउन तेजगांव डिपार्ट करते हुए। खूब रश है इसमें, बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। बिजनेस क्लास का डब्बा, एसी स्टैंडर्ड, ये ग्रीन लाइन की कोच बिजनेस क्लास की। दरमियान में पावर वैन, इंजन बहुत दूर निकल चुका है और ये रायवन से डिपार्ट हो गया।